सरकार देश में गरीब और आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए तरह तरह की स्कीम लेकर आती रहती है। ऐसी ही एक सरकारी स्कीम है जिसके जरिए लोगों को आर्थिक मदद दी जाएगी। इस स्कीम में लोगों को 30,000 की राशि बतौर मुआवजे के तौर पर दी जाएगी। स्कीम का नाम है राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, यानी अंग्रेजी में कहें तो नेशनल फैमिली बेनिफिट स्कीम। अब ये स्कीम क्या है और इससे किन लोगों को लाभ मिल सकता है, ये आज मैं इस वीडियो में आपको बताने वाली हूँ। आप देख रहे हैं इंडी टाइम्स, मैं हूं आपके साथ आकांक्षा मिश्रा। तो सबसे पहले तो इस स्कीम का फायदा उन लोगों को मिलेगा जो गरीबी रेखा के नीचे अपने जीवन का गुजर बसर करके जैसे जैसे परिवार चला रहे। साथ ही इस योजना का फायदा केवल उन गरीब परिवारों के लिए है जिनके मुखिया किसी कारणवश उनकी मृत्यु हो गई है और परिवार में उनके अलावा दूसरा कोई कमाने वाला नहीं है, यानी जिनकी मृत्यु हुई है सिर्फ वही एक कमाई का जरिया थे और अब वो नहीं है, तो इस वजह से सरकार 30,000 रुपए हर महीने आर्थिक तौर पर मदद के लिए उन परिवारों को देगी। और हाँ, ये योजना सिर्फ उत्तर प्रदेश के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब परिवार पर ही लागू है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि इस योजना का फायदा उठाने के लिए किस वेबसाइट पर जाएं और कहाँ पर अप्लाई की जाए। इसके लिए सबसे पहले आपको इसकी ऑफिशियल वेबसाइट nfbs.gov.in पर जाना होगा, जिसके बाद उस ऑफिशियल वेबसाइट का एक होम पेज खुलकर आएगा। होम पेज पर आपको न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। सामने रजिस्ट्रेशन फॉर्म आएगा और उसमें पूछी गई जानकारी जैसे कि आपका जनपद क्या है, आप कहां के निवासी हैं, आपके बैंक अकाउंट की डिटेल्स क्या है और मरने वाले की डिटेल्स, ये सब आपको फिल करना होगा। सभी जानकारी को भरने के बाद सबमिट वाले बटन पर क्लिक कर दीजिए। एक बार फिर याद दिला दूं कि मृत्यु सहायता योजना है, इसका फायदा सिर्फ उन परिवारों को ही मिलेगा जिनके परिवार की मुखिया की मृत्यु 18 से लेकर 60 साल के बीच में हुई है। साथ ही शहरी क्षेत्र में आवेदक कर्ता के परिवार की सालाना आय 56,000 रुपए से ज्यादा ना हो, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों के परिवारों की सालाना आय 46,000 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो सीधे तौर पर आवेदन कर्ता परिवार गरीबी रेखा के नीचे होने चाहिए। किसी भी सरकारी स्कीम की तरह यहाँ भी आपको डॉक्यूमेंट्स के तौर पर अपनी आधार कार्ड, निवास प्रमाण पत्र, पहचान पत्र, मुखिया के मृत्यु प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट की डिटेल्स, पासबुक, मोबाइल नंबर और मुखिया का आयु प्रमाण पत्र और पासपोर्ट साइज फोटो लगाना होगा। फॉर्म भरते समय किन बातों का ध्यान रखना है यहाँ ये भी जान लीजिए। पूरा फॉर्म आपको अंग्रेजी में भरना है। इसके साथ ही आपका खाता यानी अकाउंट किसी नेशनलाइज्ड बैंक में होना चाहिए। केवल तहसील स्तर से जारी आय प्रमाण पत्र ही यहाँ पर मान्य होगा और आपकी फोटो और जो सिग्नेचर्स हैं वो JPG फॉर्मेट में होना जरूरी है। यहाँ तक कि पहचान पत्र, बैंक पासबुक और मृतक का मृत्यु प्रमाण पत्र PDF फॉर्मेट में होना बेहद जरूरी है। और अब आखिरी में जब ये सारे फॉर्मेलिटीज पूरे हो जाएंगे तब एक मुश्त राशि यानी 30,000 आपके बैंक अकाउंट में सीधे तौर पर ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन याद रहे, ये पैसा आपके आवेदन के 45 दिन के अंदर आपको मिलेगा। उम्मीद करते हैं ये खबर आपके लिए फायदेमंद साबित हुई होगी। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहें इंडी टाइम्स। मुझे दे इजाजत, अपना रखें बहुत सारा ख्याल और देखते रहें इंडी टाइम्स। नमस्कार।